हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ टी आर तेजस्वाटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्लॉग का टाइटल कहाँ से बनाएं, कैसे सेट करें, और दूसरी बात हम अपने ब्लॉग का जो टाइटल है वो अपनी पोस्ट में कैसे लगाएं, ब्लॉग का टाइटल जो है वो पोस्ट के हेड पर कैसे बनाएं, कैसे रखें, और जो ब्लॉग का टाइटल है वो कैसे सेट करें कि जब भी हम पोस्ट डालें तो हमको करना कुछ ना पड़े और वो हमेशा पोस्ट के हेड पे दिखे हमेशा। तो दोस्तों, ये हम कैसे करेंगे, आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं और ब्लॉग से रिलेटेड ऐसी जानकारी मैं बताता रहता हूँ और यूट्यूब से रिलेटेड भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट एक लिखी हुई है और यहाँ पर मेरा जो है मेन जो ब्लॉग टाइटल है कहानी जो दिल छू जाए, तो ये यहाँ पर लिखा है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों मैं अपने हर पोस्ट में नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मैंने एक बार ही लिख दिया है, वो अपने आप से यहाँ पे आ जाता है। तो आप कैसे कर पाएंगे अपने ब्लॉग में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग में आ जाना है और यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहा है वो थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। और वहां पर क्लिक करने के बाद हमको चले आना है यहाँ पे लेआउट पे, लेआउट वाले ऑप्शन पे हमको टच कर देना है। जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है। अब टाइटल जो है वो करने के लिए हमको जो यहाँ पर हेडर हेडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पे हमको, जैसे मोबाइल से कर रहे हैं तो एक बार में पूरी स्क्रीन नहीं आ पा रही, तो जो हेडर का ऑप्शन है उसको हम और यहाँ पे राइट साइड पे स्क्रॉल करते जाते हैं। स्क्रॉल करते जाते हैं तो यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन है एडिट का वो दिखाई दे रहा है, तो एडिट वाले पे टच कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एडिट पे टच किया और यहाँ पर पूरे ऑप्शन जो है वो आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल है, तो यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल आप अपने डाल दीजिए जो आपके ब्लॉग का टाइटल हो, और ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन मतलब आपका जो ब्लॉग है वो किसके बारे में रहता है, जिसके बारे में आप डालते हो, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। और अगर कोई इमेज आपको डालनी हो, तो मैंने तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं डाली हुई है, अगर इमेज डालनी हो तो यहाँ पर जो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है चूज फाइल, यहाँ से चूज कर लीजिए और वहाँ से डाल दीजिए। और ये करने के बाद यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन थ्री तीन चीज़ें होती हैं, एक ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन और इमेज। इनको फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप फिल कर लें तो इसको यहाँ से जो रेड बटन दिख रहा है सेव का, वहाँ से आप सेव कर दीजिए। तो बस आपको इतना ही करना है और आपके ब्लॉग में जो है वो टाइटल जो हेडर है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो जरूर ये अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और ब्लॉग के लिए एड यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ब्लॉग में कैसे जोड़ते हैं, ब्लॉग में एडसेंस एचटीएमएल कोड होता है कैसे डाला जाता है, और एड्स डॉट टीएक्सटी को ब्लॉग में कैसे जोड़ा जाता है, ये सभी वीडियोस भी मैंने बना रखी, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो बना के रखी हैं। आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो आप प्लीज जाकर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो ब्लॉग वाली प्लेलिस्ट है उसको देखना ना भूलें। और अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा चैनल आपको मिल ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।